हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को D10 की ब्लीच बताऊंगी कैसे करते हैं और किस तरह की स्किन पे D10 ब्लीच लगाते हैं। तो आप ध्यान से देखना मेरी वीडियो को, आपको समझ में आएगा। तो ये एक्टिवेटर है दोस्तों, ये ब्लीच है जो दोनों मिक्स करके ही ब्लीच करते हैं फेस पर। और ये एक 10 पैक दिया है, D10 का पैक दिया है। तो ये मैंने एक चम्मच ब्लीच निकाल लिया है और इसमें एक्टिवेटर कितना मिक्स करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक चौथाई मतलब कुछ चुटकी ही एक्टिवेटर मिक्स करते हैं दोस्तों। क्रीम बहुत ज़्यादा होती है और एक्टिवेटर बहुत कम होता है। तो आप देखो मैंने कितना लिया है और कैसे मिक्स किया है। योरी बायोटिक का कोकम्बर टोनर मिक्स किया है ताकि इचिंग कम हो दोस्तों फेस पर। इसको अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप थोड़ा सा टोनर या रोज़ वाटर मिक्स करके ब्लीच लगा सकते हो तो उससे इचिंग कम होगी। तो अब देखो किस तरह की स्किन पे लगाया मैंने इसको। अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं 2 मिनट पहले, उसके बाद फेस क्लीन कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो जाता है क्लीन वगैरह करने में। तो अभी मैं किस तरह के फेस पे लगा रही हूँ ये आपको दिखाऊंगी। तो आप देखना और मुझे बताना कैसा लगा आपको ये मेरी वीडियो। तो ये देखो डार्क स्किन है और थोड़ी टैनिंग है इनके फेस पर। तो इस तरह के फेस पर दोस्तों इसी तरह की स्किन पर D10 ब्लीच और D10 फेशियल करते हैं। तो ये देखो क्लिंजिंग मिल्क से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। VLCC का क्लिंजिंग मिल्क है दोस्तों। किसी भी क्लिंजिंग मिल्क से आप फेस क्लीन कर सकते हो। 2 मिनट मसाज करना है अच्छे से आपको, उसके बाद ही ब्लीच अप्लाई करना है। तो ये देखो मसाज का प्रोसीजर है क्लिंजिंग मिल्क से, और उसके बाद ही ब्लीच अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों डार्क स्किन पर बहुत जल्दी ब्लीच वर्क कर जाता है, फेयर स्किन पर थोड़ा सा टाइम लेता है। और तो इस स्किन पे मैं 15 से 20 मिनट ही ब्लीच रखूँगी। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं हुआ है तो आप 5 मिनट और रख सकते हो। तो ये देखो फेस को क्लीन कर लिया है, टिश्यू की सहायता से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब देखो सिर्फ फेस क्लीन करने में ही स्किन पे हल्का सा ग्लो आ गया है। तो ये देखो ब्लीच फूल चुकी है, जो कि थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी से थोड़ा और ज़्यादा हो चुका है। तो अब ये देखो ऐसे ही अप्लाई करना है ब्लीच को। ब्लीच को ऐसे ही अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह की ब्लीच हो प्रोसीजर सेम यही होता है। किसी के भी फेस पे ऐसे ही ब्लीच अप्लाई करते हैं। बाकी ब्लीच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी है कैसी है, वो मैटर नहीं करता है। ब्लीच सब सेम होती है और बस अप्लाई करने का तरीका सेम होता है। तो ये देखो इनके फेस पे मैंने 20 मिनट बाद चेक किया है, बहुत जल्दी ब्लीच हो गई है। और अब ये क्लीन कर रही हूँ इनके फेस को, तो आप देख सकते हो बहुत जल्दी ब्लीच हो गया है। टिश्यू की सहायता से फेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फेशियल का स्टार्ट करेंगे। तो ये D10 का फेशियल भी है जो मुझे इनके फेस पर करना है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट फेशियल, इन्होंने कभी फेशियल और कभी ब्लीच नहीं करवाया है। तो ये अब आप देख सकते हो ये इसमें 6 स्टेप्स दे रखा है, कौन से स्टेप्स कैसे करने हैं ये मैं आपको इस फेशियल में और इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप ध्यान से बने रहना मेरे वीडियो में। तो ये फर्स्ट स्टेप्स भी इसमें क्लिंजर है, जो कि मुझे क्लिंजर से फेस को क्लीन करने के बाद ही फेशियल स्टार्ट करना है। तो कैसे किया है मैंने आप ये देख सकते हो ध्यान से। दोस्तों अब ये सेकेंड स्टेप्स है, जो कि है स्क्रब क्लिंजिंग के बाद। इसमें स्टेप्स है जो कि बहुत ज़रूरी है टैनिंग हटाने के लिए, स्किन को क्लीन करने के लिए। तो ये दाने सा होता है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा माइल्ड हाथ चलाते हैं और आँख का ध्यान रखते हैं कि क्लाइंट के आँख में ना जाए। और थोड़ा सा पानी या रोज़ वाटर की सहायता से आप अच्छे से मसाज दे सकते हो, जिससे कि स्किन क्लीन हो, लाइट हो और ब्राइट हो। तो आप इसी स्टेप्स के बाद देखना स्किन में कितना अच्छा सा ग्लो आएगा। 1 या 2 ही स्टेप्स के बाद फेस फेयर होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा है। जिसमें फेस और नेक का भी मसाज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस अलग और नेक अलग नहीं लगना चाहिए। और कान भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो आप देखो मैंने कैसे किया है और कितनी देर करना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट ही मसाज देना है माइल्ड हाथों से। तो आप देखना,
और ये हो गया है। मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्पीड दे दी थी और थोड़ा सा कट कर दिया था, क्योंकि अगर वीडियो लंबी बनाती हूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। और अब उसके बाद दोस्तों स्टीम दिया है मैंने, क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बहुत ज़्यादा थी इनकी स्किन पे, ऑयली स्किन पे ज़्यादातर दोस्तों ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसको हटाने के लिए स्टीम बहुत ज़रूरी है, तो 10 मिनट कम से कम आप स्टीम दो। उसके बाद कॉटन में टोनर लेके एक बार स्किन को क्लीन कर लो और ब्लैक हेड्स निकालना स्टार्ट कर सकते हो। ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये एक ब्लैक हेड्स रिमूवर होता है दोस्तों, इसकी सहायता से निकालना पड़ेगा तभी ये निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थे ब्लैक हेड्स और बड़े थे। थोड़ा इससे पेन होता है, बट एक यही ऑप्शन था जिससे इनके ये ब्लैक हेड्स निकाले जा सकते थे जड़ से। स्टीम्स देने के बाद ओपन पोर्स बहुत ही अच्छे से खुल गया था, तो इजीली निकल जा रहा था। कभी भी आप डायरेक्ट इसको अप्लाई मत करना कि पिन उठाया और फटाफट निकालना शुरू कर दिया, गलत बात। स्किन छिल सकती है आपकी, रैसेज हो सकते हैं, पेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको स्मूथली निकालना है तो हल्का सा स्टीम दे के निकाल सकते हो, जो कि पूरे फेस पे इनके ब्लैक हेड्स था। आसान तरीका है, आप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हो जाता है अगर किसी के ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं तो। और ये देखो, दोनों साइड से नोज़ पे, चीक पे, अपर लिप्स के साइड में भी और हेड पे भी ब्लैक हेड्स थे, जो मैंने निकालने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं दिखा सकती। और अब मैं फिर थोड़ा सा स्टीम देके थर्ड जेल है इसमें, थर्ड नंबर पे देख सकते हो, जो मैं यूज कर रही हूँ, इनके फेस पे बहुत ही अच्छे से मसाज देना है। देख सकते हो, आपको कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आप देखो वीडियो को ध्यान से। अब दोस्तों ये देखो, जेल कंप्लीट हो गया है। और अब ये फोर्थ नंबर पे क्रीम हो गई है दोस्तों। क्रीम से बहुत ही अच्छे से फेस पे पैक की तरह मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ये D10 में पैक और क्रीम और कोई भी जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप उसको 2 मिनट के लिए फेस पे छोड़ दे के छोड़ने के बाद मसाज देते हो तो अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि ये इंटरनली स्किन को क्लीन करता है। इसके लिए कुछ मिनट आपको इसे फेस पे रखना पड़ेगा, तो मैंने 2 मिनट रखने के बाद ही मसाज करना शुरू किया है। तो आप देखो, मैंने पैक की तरह बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद ये सेम मसाज दे रही हूँ। दोस्तों सूखा मसाज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर आप क्रीम में पानी या फिर रोज़ वाटर कुछ भी यूज कर सकते हो, जिससे स्मूदली हाथ चले, मसाज करने में दिक्कत ना हो। और तो ये फेस पे बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब करानी होती है, क्रीम को बिल्कुल क्लीन नहीं करना होता है, इतनी मसाज अच्छे से करनी होती है, क्योंकि क्रीम में ही थोड़ा लंबा मसाज चलता है, जिससे क्लाइंट को रिलैक्स फील होता है और स्किन लाइट और ब्राइट होती है। तो ये देखो किस तरह से मैंने मसाज किया है और कितनी देर किया है मुझे क्रीम को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने में। 10 मिनट टोटल लग गए थे, जो मैं 10 मिनट आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि आप समझ सकते हो, ये देख सकते हो स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो चुकी है क्रीम। इसको भी बहुत अच्छे से बहुत लाइट हाथों से मसाज देना है। तो आप देखो स्किन अपने आप में ही एक अलग कलर लेके आ रही है, लाइट होती जा रही है, टैनिंग ख़त्म होती जा रही है। अगर आप रेगुलरली D10 कराते हो तो अच्छा फेशियल है। और ये है दोस्तों पैक, 5वां स्टेप्स है पैक का, जिसको ब्रश की सहायता से, जो जेल बेस में है, बहुत थिक नहीं है, बहुत ड्राई नहीं है और बहुत ही अच्छा है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करके हटाना है, थोड़ा जल्दी ही हटा देना है दोस्तों। पैक को अच्छे से मैंने फेस पे लगा दिया है, ये जितना देर रहता उतना अच्छा वर्क करता। थोड़ा सा मसाज करके फिर इसको हटाना है, जो बहुत ही नॉर्मली अगर आप D10 पैक लगाते हो तो उससे भी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। और दोस्तों ये थोड़ी सी वीडियो ना स्किप हो गई थी,
तो हटाते समय को पैक के हटाते समय की वीडियो स्किप हो गई है, सॉरी। उसको बस मसाज करके हटाना था। और अब ये लास्ट में ना सन्स प्रोटेक्शन लोशन जो दे रखा था, ये मैंने इनके फेस पे क्रीम की तरह अप्लाई कर दिया है, जो कि इनको धूप से बचाती है। और बस हो गया फेशियल, फाइनल लुक। आप देख सकते हो स्किन कितनी ब्राइट हो गई है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर